फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ ट्रिक। तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैंक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, SBI, IBPS के सभी एग्जाम में आता ही आता है और 5 मार्क्स का आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इजीली आप 2 मिनट के अंदर इसे सॉल्व करके 5 मार्क्स कमा सकते हैं ट्रिक से। तो क्वेश्चन कैसा होता है वो देख लेते हैं। टाइप पहले 2 इक्वेशन दिए होते हैं, एक्स और वाई या कुछ भी वेरिएबल में। अब उसमें पूछता है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन वाई, और वाई इज ग्रेटर देन एक्स, और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और वाई इक्वल टू एक्स। तो ये 5 इक्वेशन दे देगा ऑप्शन में। अब पूछेगा कि कौन सा सही है। तो अपन को सबसे पहले x और y की वैल्यू पता होगी तभी अपन रिलेशन बना पाएंगे। तो वो कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से वो देखते हैं। तो ये इक्वेशन दी हुई है x की, 2x² 23x + 63 = 0। तो इससे अपन सॉल्व करते हैं कन्वेंशनल मेथड से। इंसान कैसे करता है, -b + -√b² - 4ac/2a से रूट निकालता है ज़्यादातर लोग, या फिर गुणनखंड मेथड से भी करते हैं तो वो करके कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मेथड मैं बता रहा हूँ इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और बिल्कुल 30 सेकेंड में हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है और जो कांस्टेंट है उनका इंटू कर देंगे, 2 × 63। अब 63 को इस तरह से ब्रेक कर देंगे कि ऐड करने पे 23 आ जाए। तो 2 × 7 × 9 ये हो रहा है। अब 7 × 2 = 14 × 9। अब यहाँ देखेंगे 14 + 9 कितना होता है, 23 होता है, इंटू पे इन दोनों का ही आएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा 14 × 9 / x² का जो कोफिशियंट है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, यहाँ पे 2 है। तो 14 / 2 = 9/2। अब साइन यहाँ पे कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन अपन को आंसर में कैसे साइन लेने हैं, अपोजिट साइन लेने हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव रहेगा यानी -7, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो यहाँ होगा 4.5। तो ये हो गया इसका आंसर, -7 - 4.5। ओके, अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। इसका आंसर आया -7 और -4.5। अब इसमें देखते हैं 4 × 21 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7 × 3, अपन को 19 चाहिए। तो 19 कैसे आएगा, 4 × 3 = 12 + 7 = 19 आ जाएगा, प्लस में +19। तो अब इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3, और साइन चेंज कर देंगे -3 और 7/4 - 7/4। तो ये आ गई y की वैल्यू, ये आ गई x की वैल्यू। आप देख लेते हैं इसमें कौन सा इक्वल है, जाहिर सी बात है सबसे कम वाला कौन सा है, इसको कट करेंगे तो 4 × 4 1 point something आएगा माइनस में। तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू छोटी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन x। तो ये हुई शॉर्ट मेथड। ठीक है, और भी इक्वेशन देख लेते हैं नेगेटिव वाले। तो और इक्वेशन है जैसे 4x² - 29x + 45 = 0, और y का दिया है 3y² - 19y + 28 = 0। अब पहले इसको देखते हैं, 4 × 45, तो 4 × 9 × 5। अब इसको अपन लिख सकते हैं 20 + 9, अपन को माइनस में चाहिए, तो -20 - 9 = -29। आप डिवाइड किससे करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन चेंज, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, 5 और +9/4, ये आ गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। y का इक्वेशन देख लेते हैं पहले, 3y² - 19y + 28 = 0। अब 3 × 28, 3 × 7 ×
फोर, अपन को 19 चाहिए सम में, तो कैसे आएगा, 4 3 12 प्लस और माइनस 19 चाहिए, तो माइनस 12 माइनस 7, 4 × 3 12 माइनस 7 हो गया, माइनस 19 आ गया। अब डिवाइड किससे हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 3 है तो 4, माइनस 12/3 है तो माइनस 4, तो लेकिन अपन साइंस कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो प्लस 4 आ गया, और यहाँ से आ गया प्लस 7/3। तो जाहिर सी बात है कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, 2 पॉइंट है और ये 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला y इज ग्रेटर देन, ये हो गई 5 और ये हो गई 2.2 के आसपास, और ये हो जाएगा 2.3 के आसपास। तो इसमें कंक्लूजन नहीं बनेगा क्योंकि इसकी एक वैल्यू इससे बड़ी है और इसकी एक वैल्यू इससे बड़ी है। तो इस केस में x इक्वल टू y वाला कंडीशन लिखेंगे जहां पे लिखा होता है कि रिलेशन नॉट एस्टेब्लिश, तो ये वाला केस हो जाएगा। ओके, तो ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर लीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे वीडियोस के लिए। थैंक यू।